गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है, यूनिट सेकेंड, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन मीन्स विवर्तन, ठीक है। डायफ्रैक्शन होता क्या है? डायफ्रैक्शन का मतलब होता है, यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं मीन्स हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, टोटली लाइट के बारे में। अब देखो, लाइट हमने पढ़ा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, इंटरफेरेंस में हमने, व्यतिकरण में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीज प्रूव किया कि लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, ठीक है। अब मान लो वेव है, डायफ्रेक्शन का मीनिंग क्या होता है, बेंडिंग ऑफ वेव, बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम एन एंड ऑफ ऑब्स्टेकल। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट वेव का किसी ऑब्स्टेकल के एंड से वापस मुड़ जाना। अब मान लो, एग्जांपल बताती हूँ आपको, एक मान लो एक रूम बंद करके मैं मान लो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी आवाज आप तक जा रही है और इस पूरे रूम के अंदर जा रही है। रूम मान लो पूरा बंद है, तो पूरा बंद है तो रूम के डोर और विंडो से मेरी आवाज टकरा के वापिस आ रही है, बैंड होके वापिस आ रही है, और चारों दिशाओं में रूम के अंदर, पूरे रूम के अंदर, हर डायरेक्शन के अंदर मेरी आवाज क्या है, फैल रही है, ठीक है। तो ये इसलिए आपको भी सुन रही है ये आवाज, और पूरे रूम के अंदर जा रही है। मान लो अगर डोर खुला हो तो मेरी आवाज बाहर जाएगी, तो बैंड होके और वापस यहां तक नहीं आएगी, और वहां से किनारों से क्या है, ऑब्स्टेकल डोर से अगर खुला होगा डोर, तो वहां से बैंड होके बाहर भी जाएगी मेरी आवाज, ठीक है। तो क्या है, जैसे साउंड वेव का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि साउंड क्या है, ऑल डायरेक्शन में सेपरेट हो जाती है, ठीक है। यही आपकी डेफिनेशन है डायफ्रेक्शन की, कि बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम एन एंड ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के किनारों से, ऑब्स्टेकल से बैंड हो जाना वेव का, वही होती है आपकी डायफ्रेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी संकीर्ण रेखा बिंदु से, या फिर क्या बोलेंगे, अपारदर्शी अवरोधक के किनारों से मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ने को, और उसी को क्या बोलते हैं, डायफ्रेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमने क्या पढ़ा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, लाइट का वेव नेचर होता है। अब जो वेव है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है वेव की, क्या, डायफ्रेक्शन, इंटरनल प्रॉपर्टी। तरंगों की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है क्या, डायफ्रेक्शन, विवर्तन, ठीक है। अब ठीक है, अब हमें क्या पता है कि बैंड होने को ही क्या बोलते हैं, डायफ्रेक्शन। अब ये जो डायफ्रेक्शन है हमारा, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो कंडीशंस पे ये डिपेंड करता है। पहला, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल पे मान लेते हैं डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल से, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मान लेते हैं अवरोधक का आकार, ठीक है। दूसरा, वेवलेंथ ऑफ वेव, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है ये, वेवलेंथ ऑफ वेव, कि वेव की वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ ऑफ वेव मीन्स तरंगों की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है ये, वेवलेंथ ऑफ वेव, तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा पे, और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, अवरोधक के आकार पे, ठीक है। अब ये डिपेंड कैसे करता है, जब क्या है, जो डी है हमारा, डी है वो लेस देन इक्वल टू होता है लैम्बडा की, मतलब डी लैम्बडा के लेस देन इक्वल टू, या तो बराबर होगा या इससे थोड़ा कम होगा, तब क्या होगा, डायफ्रेक्शन होगा, विवर्तन होगा, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन हो जाएगा लैम्बडा, वेवलेंथ कम हो जाएगी डी से, तब क्या होगा, डायफ्रेक्शन नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा, नो डायफ्रेक्शन, ठीक है। अब मान लेते हैं जो हमारी लाइट है, उसका डायफ्रेक्शन हमें दिखता क्यों नहीं, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर में होती है लाइट की वेवलेंथ, बहुत कम होती है। और जो हमारी साउंड वेव होती है ना, इसलिए इजिली इसमें लाइट में डायफ्रेक्शन होता नहीं, डायफ्रेक्शन हम करवाना पड़ता है हमें, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिसमें लाइट्स के द्वारा लाइट का डायफ्रेक्शन देखेंगे हम, ठीक है। अब मान लो जो हमारी साउंड है, साउंड की जो वेवलेंथ होती है,
साउंड की वेवलेंथ क्या होती है, मीटर के अंदर होती है, मीटर के अंदर होती है, तो इसमें डायफ्रेक्शन इजिली हो जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ हमारे रूम के विंडो या मतलब डोर के कंपेरेबल ही होती है, ठीक है। साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो मीटर के अंदर होती है, तो इसमें डायफ्रेक्शन इजिली हो जाता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बंद रूम के अंदर आप तक आवाज़ आ रही है, पूरे रूम के अंदर आवाज़ फैल रही है, डायफ्रेक्शन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है कि जो हमारी जो साउंड की जो वेवलेंथ है वो मीटर के अंदर है और जो उसकी वेवलेंथ है वो हमारे रूम या विंडो के उनके साइज के कंपेरेबल ही है, मीटर में ही उनका साइज होता है, उनके कंपेरेबल है, तो क्या है इसमें इजीली डायफ्रेक्शन हो रहा है, मतलब या तो उससे लेस देन है वेवलेंथ से या इसके इक्वल है, इसके कंपेरेबल है, इसकी तुलना में लगभग बराबर है, तब क्या हो रहा है साउंड का तो डायफ्रेक्शन इजिली हो रहा है, बट लाइट का डायफ्रेक्शन इजिली नहीं होता। लाइट का डायफ्रेक्शन इजिली क्यों नहीं होता, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा होती है वो नैनोमीटर में होती है, 400 नैनोमीटर से, मैंने आपको बताया 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर की मतलब 10^-9 मीटर की इतनी कम होती है लैम्डा की जो वेवलेंथ होती है लाइट की, इसलिए क्या है इसका डायफ्रेक्शन इतना इजिली नहीं हो पाता, ठीक है। मान लो अब लाइट, जैसे हम ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अब जब हम ट्यूबलाइट को वेरी बहुत सारी बहुत ज्यादा पतली स्लिट में से देखते हैं ना, तो वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखेंगे, उसमें ब्राइट और डार्क बैंड दिखेंगे, बहुत पतली एक स्लिट में से देखेंगे तो उसमें ब्राइट और डार्क क्या है बैंड दिखेंगे, ठीक है। तो इसको किस चीज से एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो लाइट की जो लाइट में के अंदर जो डायफ्रेक्शन हो रहा है उसमें मतलब जो ऑब्स्टेकल है, जो अवरोधक है हमारा, ठीक है, इसमें जो ऑब्स्टेकल है ना, जो अवरोधक है लाइट के अंदर, उसका आकार मतलब डी की वैल्यू वेरी ग्रेटर देन है लैम्डा से। लैम्डा तो हमें पता है 10^-9 मीटर में है, बहुत ज्यादा कम है, बट लाइट तो कैसे भी हो सकती है, ट्यूबलाइट का आकार है उसका भी तो मीटर में हो सकता है, 10^-माइनस में तो नहीं है ना, इसलिए क्या हो गया जो लाइट के अंदर जो डायफ्रेक्शन होता है वो हमें इजिली नहीं देख पाते क्योंकि इसमें डी की वैल्यू लैम्डा से बहुत ज़्यादा होती है। ये लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में होती है, लाइट की वैल्यू, लाइट में जो ऑब्स्टेकल का जो साइज होता है, अवरोधक का जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट में इजिली डायफ्रेक्शन नहीं देख। इसको हम मैनी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे अब आगे से आगे हम, उसके द्वारा हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि लाइट के अंदर डायफ्रेक्शन कैसे होता है, ठीक है। साउंड वेव को मैंने एग्जांपल बता दिया आपको कि उसका जो साउंड वेव होती है उसकी वेवलेंथ मीटर्स के अंदर होती है, जो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो साउंड है मान लो कोई बंद रूम के अंदर, तो उसके डोर और उनकी जो विंडो होगी उसके साइज के कंपेरेबल ही होगा, उनका साइज भी मीटर में ही होगा, उसके साइज के कंपेरेबल होगा, इसी वजह से क्या होता है वो हमें इजिली डायफ्रेक्शन हो जाता है। और चारों मतलब ये जो ओल्ड डायरेक्शन के अंदर जो हमारी क्या है फैल जाती है और हमें इजिली साउंड हमें सुनाई दे सकती है, इसलिए क्या है साउंड वेव तो हम इजिली डायफ्रेक्शन कर सकते हैं क्योंकि इसमें डी लेस देन इक्वल टू लैम्डा होता है, बट जो हमारी लाइट है उसको हम इजिली उसका डायफ्रेक्शन इजिली नहीं कर सकते क्योंकि डी की वैल्यू ज्यादा होती है। ये होता है आपका डायफ्रेक्शन, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या है दो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं डायफ्रेक्शन, टाइप ऑफ डायफ्रेक्शन, डायफ्रेक्शन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार, प्रकार क्या क्या है। फर्स्ट है आपका फ्रेजनल डायफ्रेक्शन, हिंदी में आप इसको फ्रेनल भी बोल सकते हैं, फ्रेजनल डायफ्रेक्शन, और दूसरा है आपका फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन, ठीक है। अब देखो ये दो टाइप के आपके डायफ्रेक्शन होते हैं, विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, फ्रेजनल विवर्तन और दूसरा क्या है आपका फ्रॉनहोफर विवर्तन, ठीक है। अब हम पहला पढ़ेंगे फ्रेजनल डायफ्रेक्शन। अब फ्रेजनल डायफ्रेक्शन होता क्या है, मान लो ये कोई लाइट सोर्स है, अब हम लाइट लाइट के बारे में पढ़ेंगे सारा, ये मान लो कोई लाइट सोर्स है,
यहां पे हमने कोई ऑब्स्टेकल रख रखा है, ठीक है, ये कोई ऑब्स्टेकल है, मीन्स अवरोधक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लिख रही हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ये कोई लाइट का स्रोत है, ठीक है, यहां से लाइट गई, ठीक है, यहां से लाइट गई तो क्या है, ये है आपकी स्क्रीन, ठीक है, यहां से लाइट गई तो ये आपका क्या है, स्क्रीन पे ऐसे दिखेगी, बैंड हो गई, यहां से लाइट गई, यहां से क्या है आपकी ऑब्स्टेकल से आपकी लाइट मुड़ गई और यहां पे क्या हो गई आपकी लाइट बैंड हो गई और यही हो गया आपका डाइफ्रेक्शन। इस बैंड होने को ही बोलते हैं डाइफ्रेक्शन, ठीक है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं डाइफ्रेक्शन, यहां ऑब्स्टेकल से पास हुई और आपकी लाइट क्या हो गई, ये बैंड हो गई, इस बेंडिंग को ही क्या बोलते हैं डाइफ्रेक्शन, इस लाइट के मुड़ने को ही बोलते हैं हम विवर्तन, ठीक है। अब फ्रेनल का मतलब क्या हुआ कि जो हम सोर्स रख रहे हैं और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जो हम स्रोत रख रहे हैं और जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट कितनी बैंड हुई है, डाइफ्रेक्शन कहां हुआ है, मान लो स्क्रीन, दोनों पॉइंट क्या है फाइनाइट डिस्टेंस पे है, कोई फिक्स डिस्टेंस ऑब्स्टेकल से क्या है दोनों पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे, अगर सोर्स और स्क्रीन दोनों को हम फाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हैं तो वो होता है आपका फ्रेजनल डाइफ्रेक्शन, फ्रेजनल विवर्तन। क्या कैसे कहेंगे, लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स आपका और ये जो ऑब्स्टेकल है, लाइट सोर्स ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे और जो स्क्रीन है आपका वो भी ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, फिक्स डिस्टेंस पे हो, उसी को बोलते हैं हम फ्रेजनल डाइफ्रेक्शन। ये आपका सोर्स है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका डाइफ्रेक्शन पैटर्न जो यहां बनेगा वो होगा आपका फ्रेजनल डाइफ्रेक्शन, ठीक है। मतलब सोर्स और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो स्क्रीन है और जो सोर्स है, ऑब्स्टेकल के पास में होते हैं या फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब सोर्स और स्क्रीन मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेजनल डाइफ्रेक्शन, ठीक है। हिंदी में कैसे कहेंगे, ठीक है, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपका, प्रेक्षण बिंदु दोनों अवरोधक से सीमित दूरी पर स्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेजनल विवर्तन। ये आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है लाइट सोर्स, और सिलेंड्रिकल मींस बेलनाकार भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेजनल डाइफ्रेक्शन का मतलब जो सोर्स और जो आपका स्क्रीन है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्रेक्षण बिंदु है, वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए अवरोधक या ऑब्स्टिकल से, वो आपका होगा फ्रेजनल डाइफ्रेक्शन। सेकेंड पॉइंट है आपका फ्रानहोफर डाइफ्रेक्शन। फ्रानहोफर डाइफ्रेक्शन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, कि जो सोर्स है ये मान लेते हैं ऑब्स्टेकल है, सॉरी यहां से कर रही हूं मैं, ये मान लेते हैं आपका ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ये कोई इनफाइनाइट लाइट सोर्स है, इनफाइनाइट दूरी पे ये आपका सोर्स है, तो यहां से क्या होगा लाइट मिल रही है हमें, ठीक है, ये भी क्या है ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी क्या है आपका इनफाइनाइट है, दोनों क्या है इनफाइनाइट पे हो, ठीक है, अनंत दूरी पर हो, जो आपका सोर्स है और जो क्या है ऑब्जर्वेशन पॉइंट दोनों अनंत दूरी पर हो, उसको क्या बोलते हैं फ्रानहोफर डाइफ्रेक्शन, ठीक है। जो आपका सोर्स, लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु अवरोधक से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, उसको बोलते हैं हम फ्रानहोफर डाइफ्रेक्शन, ठीक है। फ्रेजनल में और फ्रानहोफर में यही डिफरेंस है। फ्रेजनल क्या होता है आपका, कि जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो ऑब्स्टेकल से फाइनाइट दूरी पर हो, ठीक है, सीमित दूरी पर हो, वो होता है फ्रेजनल डाइफ्रेक्शन। और जो फ्रानहोफर डाइफ्रेक्शन होता है, जो उसमें क्या होता है, जो आपका सोर्स है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मीन्स स्क्रीन है जहां पे डाइफ्रेक्शन हो रहा है, वो दोनों ऑब्स्टेकल अवरोधक से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, ठीक है। हिंदी में इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश स्रोत या प्रेक्षण बिंदु दोनों के विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोधक से प्रभावी दूरी मीन्स अनंत दूरी पर हो, मतलब अनंत दूरी पर हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप फ्रानहोफर डाइफ्रेक्शन, ठीक है। ये आपका दो टाइप का डाइफ्रेक्शन,
ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ मैंने आपको क्या पढ़ाया। डायफ्रेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है आपने। डायफ्रेक्शन होता क्या है? डायफ्रेक्शन होता है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल मतलब लाइट का मुड़ना, किसी अवरोधक से लाइट का मुड़ जाना, वो होता है आपका विवर्तन। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ये डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल पे, अवरोधक के साइज पे, मतलब डी पे डिपेंड करता है, अवरोधक के साइज पे डिपेंड करता है। डी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए लैम्डा के, तब होगा डायफ्रेक्शन। सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, होना चाहिए उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो क्या होना चाहिए आपकी लैम्डा। अगर लैम्डा बहुत कम हो डी से तो आपका डायफ्रेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर हम लाइट का पढ़ रहे हैं। डायफ्रेक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है और डायफ्रेक्शन होता दो प्रकार का, एक फ्रेजनल डायफ्रेक्शन, एक होता है आपका फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन। ठीक है, फ्रेजनल डायफ्रेक्शन क्या होता है? जब ऑब्स्टेकल जो आपका अवरोधक है वो सोर्स और स्क्रीन दोनों से क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजनल डायफ्रेक्शन। और जो आपका सोर्स और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्रेक्षण बिंदु है, वो अवरोधक से इनफाइनाइट अनंत दूरी पर हो, तो उसको बोलते हैं फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन। ये आपका डायफ्रेक्शन। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे फ्रेजनल के बारे में, आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फ्रेजनल के एक्सपेरिमेंट होंगे। ठीक है, वहां से कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।